कॉलेज स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड क्लास से हमारा लाइट का हमारा जो चैप्टर नेम है वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लाइट क्या होती है, लाइट के जनरल फिनोमेना क्या होते हैं, कौन कौन से नेचर होते हैं उसमें। ड्यूअल नेचर हम लोगों ने देखा था कि लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, लेकिन यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है वो अच्छे से पार्टिकल की वजह से समझाया जाएगा, और क्लास 10th का जो आपका बेस है वो भी पार्टिकल नेचर है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था, आज हम लोग बात कर रहे थे उसके आगे रिफ्लेक्शन पर कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर लिया था, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देख लिया था, आज हम लोग रिफ्लेक्शन के लॉज देखने वाले थे कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आप रिफ्लेक्शन के लिए क्या लेंगे, एक स्मूथ सरफेस लेंगे और वो कैसा होना चाहिए, दैट सरफेस मस्ट बी ओपेक, दैट सरफेस मस्ट बी ओपेक। जब आप इस पर एक लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो जिस पॉइंट पर ये लाइट इस सरफेस को टच करेंगे उस पॉइंट पर आप क्या ड्रॉ कर देंगे, एक नॉर्मल, ध्यान से समझिए, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस से। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ये रे जो इनकमिंग रे है इट इज नोन एज इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये कहलाता है हमारा नॉर्मल, और जो रे टकराने के बाद जो वापस जाएगी इट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड। तो जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल आर इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये वाला एंगल होता है एंगल आई, नहीं, एंगल आई ऑलवेज इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, किसके किसके बीच का, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, और एंगल आर होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमसे यही कहता है कि एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, क्या होना चाहिए, एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल आई ऑलवेज और ऑलवेज किसके बराबर होता है, एंगल आर के, यानी कि जिस एंगल पर ये इंसिडेंट हुआ है उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर हम मान लें कि एंगल आई, सपोज दैट एग्जाम्पल लें कि एंगल आई मान लीजिए 30 डिग्री है, तो एंगल आर भी अपने आप कितना हो गया 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल आई जिस पर वो लाइट इंसिडेंट हो रही है और एंगल आर जिस पर वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये दोनों ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। और एंगल आई किसके किसके बीच का एंगल होता है, एंगल आई होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और एंगल आर होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। आई होप आप सब ने नोट कर लिया होगा, ये दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, ये होना चाहिए। सेकंड लॉ क्या है, ये डायग्राम बना लीजिए सब लोग। सेकंड लॉ ये है कि एंगल आई यानी कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये सेकंड लॉ है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल,
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों मस्ट ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन। Must always lie in same plane. First law क्या कहता है? The first law of reflection states that the angle I must be equal to angle R, and second law states that incident ray, reflected ray, normal must always lie in same plane. ये तीनों के तीनों किस में होंगे? Same plane में होंगे, ठीक है? दो मिनट का time दे रहा हूँ, इसको लो। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपके लिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर, व्हिच इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दीज टू एंगल विल ऑलवेज हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, मींस एंगल आई मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर। And second law states that incident ray, reflected ray and normal, these three things, incident ray, reflected ray and normal, these three things must always lie in same plane. ये हमेशा एक ही plane में lie करेंगे। चलिए अब इसी पर आगे चलिए, जिसमें कुछ cases देखते हैं। पहला case, रिफ्लेक्शन एट प्लेन सर्फेस। रिफ्लेक्शन एट प्लेन सर्फेस, सपोज दैट एक प्लेन सर्फेस है। प्लेन सर्फेस कैसा होना चाहिए? हमारा स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने एक लाइट रे इंसिडेंट कराई, जिस पॉइंट पर ये इस पे इंसिडेंट हुई वहां पर हम क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर। ये एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे? आई। जिस एंगल से आई है उसी एंगल से रे वापस चली जाएगी, तो ये एंगल क्या कहलाएगा? आर। एंगल आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर, ये चीज को हम लोगों ने देख ली है। और चलिए इसी में आगे चलते। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, दैट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोग इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा कि दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नो, दिस इज नॉट। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें हम लोग लेते हैं केस नंबर वन। केस नंबर वन में हम लोग मान के चल रहे हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू जीरो डिग्री। एंगल आई कितना है? जीरो डिग्री। अब देखिए, एंगल आई जीरो डिग्री होने का मतलब क्या हुआ? हमने एक प्लेन सरफेस बनाया, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक। एक प्लेन और स्मूथ सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये हमने एक नॉर्मल इस पर ड्रॉ कर दिया। एंगल आई जीरो होने का मतलब हुआ कि देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि एंगल आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके किसके बीच का एंगल होता है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का, सॉरी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। एंगल आई जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि जिस रास्ते से इंसिडेंट रे आ रही है वो रास्ता क्या है, नॉर्मल वाला ही रास्ता है। अगर ये केस होगा तभी तो एंगल आई जीरो होगा, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा भी इधर आ जाएगा तो एंगल आई की कुछ वैल्यू आ जाएगी, यानी कि क्या है इंसिडेंट रे किसके पैरेलल है, पैरेलल टू नॉर्मल। ठीक, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक, If angle I is equal to 0, so angle R must also equal to 0. और angle R को भी 0 होना है, तो angle R भी किसके किसके बीच का angle होता है? Normal और reflected ray के बीच का, यानी कि जिस रास्ते से ये आएगा, उसी रास्ते से ये वापस चले जाएगा। Clear? देखो इस केस में भी अगर जरा सा भी एंगल आर इधर होता तो एंगल आर की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाती। एंगल आर कितना आना चाहिए? 0। इसका मतलब जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से ये क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। क्लियर, ये चीज समझ में आई पक्का? ये केस नंबर 1। ये इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं, दिस इज नोन एज नॉर्मल इंसिडेंस। इसको नोट कर लीजिए, नॉर्मल इंसिडेंस में जो इंसिडेंट रे होती है वो परपेंडिकुलरली सरफेस के परपेंडिकुलरली आती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद सरफेस के परपेंडिकुलरली ही लौट जाती है। क्लियर, प्लीज नोट इट डाउन। आगे चलते हैं वो केस नंबर 2 की तरफ। क्या लिखा है ये, इसको बता के लिखता हूं। केस नंबर 2 में हमने क्या माना कि एंगल आई मान लिया कितना है, 90 डिग्री। अगर एंगल आई 90 डिग्री है तो कंडीशन किस तरह से बनेगी, ध्यान से देखिए। ये आपका एक स्मूथ सरफेस है, ये आपका क्या है, नॉर्मल। एंगल आई 90 डिग्री होने का मतलब वो क्या हुआ कि एंगल आई 90 होने का मतलब हुआ कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 90। यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। यानी कि आपका इंसिडेंट रे कुछ ऐसे जाएगा, देखिए तभी तो ये एंगल 90 बनेगा। अगर एंगल आर आई 90 है तो एंगल आर भी कितना होगा, 90 होगा, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे गुजर जाएगा। ठीक, तभी तो इस केस में भी एंगल आर कितना होगा आपका, 90। यानी कि इस केस में आप देखिए कि जो लाइट रे है वो मिरर के सरफेस के पैरेलली चलती हुई, मिरर को टच करती हुई चली गई। तो इस केस में इसको जो हम लोग नाम देते हैं, दिस इज नोन एज ग्रेजिंग इंसिडेंट। This is known as grazing incident. Grazing incident. इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं हम लोग grazing incidents. Clear? ये समझे? Grazing का मतलब होता है चलना। चलना होता है जैसे देखिए ये सरफेस था और जस्ट इस सरफेस को एकदम से ये लाइट क्या हुई, छूटी हुई चली गई। क्लियर, तो एंगल आई अगर 90 तो एंगल आर भी क्या हुआ, 90। ये दो केस मैंने आपको जो बताए, एक आई 0 और एक 990, ये दो क्या थे, एक्सट्रीम केस थे। इसी के बीच में सारे केस क्या करेंगे, लाई करेंगे। ये दोनों का केस क्या भी चलता है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम आपको एक और थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ लेके जाएंगे, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग इसको। सपोज दैट ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक, एक इंसिडेंट रे आ रही है, एक लाइट रे आ रही है, और ये क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा, एक लाइट रे आ रही है और ये एक स्मूथ सरफेस है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक बार बताइए, लाइट रे चल रही है और ये अगर सरफेस नहीं होता, ये इंसिडेंट, ये स्मूथ सरफेस नहीं होता, तो क्या लाइट रे अपने पाथ पर सीधे आगे बढ़ती? बोलो, अगर ये लाइट रे आ रही है, आपने बीच में एक स्मूथ सरफेस लगा दिया, अगर ये स्मूथ सरफेस नहीं लगाते तो लाइट क्या सीधे आगे बढ़ती रहती? बिल्कुल बढ़ती रहती, क्योंकि तब उसको रोकने वाला कोई नहीं रहता। अगर ये स्मूथ सरफेस नहीं होता, जैसे हम आगे चल रहे हैं, दीवार आ गई तो हम टकरा के रुक जाएंगे, लेकिन अगर दीवार नहीं होती तो क्या हम आगे चलते रहते?
बिल्कुल। तो उसी तरह से ये लाइट रे भी क्या हो रही है, चल रही है, बीच में हमने एक स्मूथ सरफेस ला दिया। अगर ये स्मूथ सरफेस नहीं होता तो लाइट रे ऐसे आगे बढ़ती रहती। स्मूथ सरफेस आया तो यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस एंगल इज नोन एज आई, और जिस एंगल से आया उसी एंगल से टकरा करके क्या हुआ, वापस हो गया। तो दिस एंगल इज नोन एज आई, ये बात सबके समझ में आई पक्का। चलिए नाम दे देते हैं, ये है नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्टेड रे आर, ये ओ और ये एक्सटेंडेड रे ई, ये ए और ये। आप सभी ने ज्योमेट्री पढ़ी होगी। अब आप यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, आई ओ ई, आई ओ ई, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन जो टोटल एंगल बनाती है वो एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। यानी ये आई ओ ई जो एंगल ओ होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये समझ में आ रहा है? चलो अब जरा ध्यान से देखो, ये अगर मिरर नहीं होता, ये प्लेन सरफेस ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट रे स्ट्रेट जाती, लेकिन इस मिरर के होने की वजह से ये किधर जा रही है, ये इधर जा रही है। यानी इस मिरर की वजह से इसमें कितना डेविएशन आ गया, डेल्टा का डेविएशन आ गया। ये चीज नहीं समझ रहे, देखो मैं फिर से समझा रहा हूं। सपोज दैट ये मिरर नहीं होता, मिरर नहीं होता तो ये लाइट रे अपने सीधे रास्ते पर जा रही है। मिरर आने की वजह से ये इस लाइट रे का रास्ता बदल के ये हो गया ओ आर। अगर मिरर नहीं था तो इसका रास्ता किधर था, ओ ई, लेकिन मिरर आने की वजह से रास्ता क्या हो गया, ओ आर। तो इस मिरर की वजह से इस लाइट रे का पाथ क्या हो गया, मुड़ गया, डेविएट हो गया। कितना डेविएट हुआ, इतना एंगल डेविएट हुआ। तो दिस एंगल इज नोन एज डेल्टा, डेल्टा इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये समझ में आया? अब देखिए, वी कैन राइट दैट डेल्टा प्लस आई प्लस आर, एंगल डेल्टा प्लस एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी कैन राइट दैट, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो एंगल इज तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल आई है, एंगल आर है, और क्या है, ये डेल्टा है। तो आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट दैट डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई, इधर जाएगा तो माइनस एंगल आई माइनस एंगल आर हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री माइनस एंगल आई प्लस एंगल आर। वी कैन राइट इन दिस फॉर्मूला, लिख सकते हैं, क्लियर। हम जानते हैं 180 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं। तो वी कैन राइट दैट डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस आई प्लस आर लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के केस में एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हुआ डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस आई प्लस आर, डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस आई प्लस आर। ये डेल्टा आप लोगों के समझ में आया? देखिए ओरिजिनल पाथ इसका था आई ओ ई, अगर ये मिरर ए बी नहीं होता तो ये आई ओ ई सीधा गुजरती रहती, लेकिन इस मिरर के आ जाने की वजह से इसका पाथ हो गया आई ओ आर। तो जो टोटल डिविएशन, डिविएशन मतलब अपने पाथ से भटकना, कितना मुड़ी कितना भटकी, तो ये देखिए ओ ई की जगह जाने से की जगह किधर जा रही, ओ आर जा रही है। तो ये एंगल टोटल डेल्टा, इसमें डिविएशन आया, तो डेल्टा की वैल्यू हम निकालेंगे, हम देखेंगे आई ओ ई जो टोटल एंगल है 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री होगा आई प्लस आर प्लस डेल्टा। तो हम लिख सकते हैं आई प्लस आर प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री। सो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस आई माइनस आर, माइनस कॉमन ले लिया तो 180 माइनस आई प्लस आर, 180 इज इक्वल टू पाई, तो डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस आई प्लस आर लिख सकते हैं। कोई समस्या? दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के केस में ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। प्लीज नोट इट डाउन। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास निकल कर आ गया। अब चलिए हम उनसे पिछले वाले केस को वेरीफाई करते हैं। मैं इसे रफ कर दूं,
ये बस रहने दे रहे हैं, बाकी मैं रख कर दे रहा हूँ। देखिए हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा आया है पाई माइनस आई प्लस, पहला वाला केस था जो इससे पहले हमने देखा, केस वन था कि एक रे जो कि पैरेलल आ रही है, अगर एंगल ऑफ आई कितना है हमारा जीरो, तो एंगल ऑफ आर भी कितना होगा जीरो, तो उसका पाथ हमने इस तरीके से बनाया था। इस केस में डेविएशन, इस केस में देखिए, अगर एक रे इधर आ रही है तो टकराने वाली इधर जा रही है, यानी कि इधर आने वाली रे और इधर जाने वाली रे के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, 180 डिग्री का। देखिए ये इधर आ रही है और एक इधर जा रही है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 180 डिग्री, यानी यहाँ डेल्टा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 180 डिग्री आनी चाहिए। रख के देखते हैं पाई माइनस आई कितना है, आर कितना है, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आया, पाई आ गया, एंड पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी यहां पर डेविएशन कितना है 180 डिग्री, ये हमारा सही प्रूफ हुआ। सेकंड केस, केस टू क्या था, केस टू था कि अगर हमारी लाइट अगर इंसिडेंस ऑफ आई, एंगल आई अगर जीरो है तो एंगल आर भी जीरो होगा, जाहिर सी बात है। इस केस में लाइट क्या हो रही है, अनडेविएटेड गुजर जा रही है, यानी कि यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना आना चाहिए, वे जीरो आना चाहिए, लेट्स नहीं सॉरी, यहाँ पर आई है हमारा 90 डिग्री, तो आर भी हमारा कितना हो रहा है 90 डिग्री, यही तो एंगल आई होगा, ठीक। आई वाला जीरो वाला केस तो देख चुके हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई है हमारा कितना 90 डिग्री, तो आर भी कितना होगा 90। तो सेकेंड केस, डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस आई प्लस आर, तो डेल्टा इज इक्वल टू पाई, आई कितना है हमारा, आर कितना है हमारा 90, तो डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 180, तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 180 इज इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ रहा है जीरो, यानी कि यहाँ पर लाइट में कोई भी डेविएशन नहीं होगा, और वही हमें दिख रहा है कि लाइट ऐसे सीधे सरफेस को टच करती हुई गुजर जा रही है, दैट इज नोन एज ग्रेजिंग इंसिडेंट। तो अब आप ये समझ लीजिए कि एक केस जहां पर आपका डेल्टा कितना है 180 डिग्री और एक केस जहां पर डेल्टा कितना है 0 डिग्री, ये दो एक्सट्रीम है और इन्हीं के बीच में बाकी सारी चीजें आपको पढ़ाई करनी है। तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर और रिफ्लेक्शन इन प्लेन सर्फेसेज, और प्लेन सर्फेसेज में हम लोगों ने स्मूथ देखा था, अब हम इसके आगे देखेंगे रफ सर्फेसेज। ठीक है, थैंक यू।